की रहेगी हमारी, ये यहाँ से प्रेस करेंगे ऐसे निकल जाएगी। इधर हमारा लॉक अनलॉक का बटन, बूट ओपन कर सकते हैं यहीं से। एम्बियन लाइट मिल जाती है इधर, यहाँ से लेकर उधर, फिर उधर उस साइड से भी दिखाएंगे। ऐसा दिखता है भाई इसका इंटीरियर अंदर का। फैन हो जाओगे गाइस आप एक बार इस गाड़ी को देख लोगे ना। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारी एक और नई गाड़ी का रिव्यू लेकर गाड़ी हमारे पास फोक्सवैगन की वेटेस्ट प्लस हमारे मॉडल रहेगा। 80 के अंदर रहेगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, 1500 सीसी इंजन के साथ में गाड़ी आती है। एक आती है हमारी 1000 सीसी के अंदर भी, और एक आती है 1500 सीसी के अंदर। अभी हम जिस गाड़ी का आपको रिव्यू कर रहे हैं, ये हमारी गाड़ी रहेगी 1500 सीसी पेट्रोल इंजन के साथ में आती है। तो रेन वाइपर सेंसर मिल जाता है ऑटोमेटिक के अंदर, नॉन पोल्यूशन व्हीकल का लोगो, दो वाइपर मिल जाएंगे बोनट पर, यहाँ पर साइड में डिजाइन बड़ा सारा आपको बोनट मिल जाता है, फोक्सवैगन का लोगो, वेटस गाड़ी। यहाँ पर भी हमारे को ना ये क्रोम कस्टम मिल जाएगा दोनों साइडों में। GT यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है, जो GT में क्या रहता है हमारे को रेड का स्टफ देखने को मिल जाएगा कहीं कहीं पर, जो जहाँ पे भी होगा ना वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हमारे को DRL मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर हमारा यहाँ पे रहेगा, प्रोजेक्टर लाइट मिल जाती है, फोग लैंप रहेंगे नीचे। ये हमारा क्रोम का स्टफ मिल जाता है, ये ब्लैक ग्लोसी के अंदर ये स्टफ रहेगा। यहाँ पर भी क्रोम का स्टफ मिल जाता है देखने के लिए, व्हाइट और ब्लैक का स्टफ रहेगा फ्रंट का जो बम्पर है। यहाँ पर 2 के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है। टायर साइज एक बार वो दिखाते हैं आपको। फोक्सवैगन की बैजिंग रहेगी GT यहाँ पे ना, ये हमारे डिस्क के पैड का स्टफ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। टायर हमारे 205/55 R16 इंची टायर मिल जाएंगे, 180 mm का ग्राउंड स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है। ऑल फोर ब्रेक हमारे डिस्क के अंदर रहेंगे इस मॉडल के। GT की बैजिंग, ब्लैक कलर के हमारे को आउटसाइड मिरर, टर्न इंडिकेटर के साथ में मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक एडजस्टेबल और ऑटोमेटिक फोल्डेबल। बॉडी कलर के हैंडल रहेंगे, ऊपर हमारे को यहाँ पर क्रोम का स्टफ मिल जाएगा, कीलेस एंट्री मिल जाती है। फोक्सवैगन की यहाँ पर बैजिंग, ये पैनल हमारा ना ग्लोसी ब्लैक के अंदर रहेगा, कुछ गाड़ी में क्या रहता है टेप मिल जाती है, यहाँ पर ये रहेगा प्रॉपर आपका ग्लोसी ब्लैक। ब्लैक के अंदर आपको रूफ मिल जाएगी, सनरूफ रहेगा ऊपर। साइड की प्रोफाइल देखते हैं तो काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है, और विंडो पर हमारे को हल्का सा डिजाइन मिल जाता है, टारफेन एंटीना मिल जाता है। बैक के ब्रेक हमारे ड्रम के अंदर रहेंगे, फ्रंट के ब्रेक हमारे डिस्क के अंदर रहेंगे। टेल लाइट मिल जाती है, यहाँ पर लाइट पे डिजाइन रहेगा हल्का, टर्न इंडिकेटर के साथ में। पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं 3 हमारे को। वेटेस्ट गाड़ी का मॉडल, फोक्सवैगन का लोगो, बैक कैमरा रहेगा, GT की बैजिंग मिल जाती है, सिल्वर का स्टफ देखने के लिए मिल जाएगा हमारे को यहाँ पे भी। रिफ्लेक्टर एडजस्ट पाइप मिल जाती है, डिफोगर रहेगा यहाँ पे, हाई स्टॉप लैंप। ये रहेगी हमारी बैक की प्रोफाइल। एक बार बूट ओपन करके दिखाते हैं आपको। 521 लीटर का काफी बड़ा हमारे को बूट स्पेस मिल जाता है। फर्स्ट एड किट रहेगी, बूट लाइट मिल जाती है यहाँ पर ऊपर की तरफ, स्पेयर व्हील रहेगा यहाँ पर नीचे, टूल किट मिल जाती है। काफी बड़ा स्पेस मिल जाता है यार, काफी बहुत बड़ा। देखिए सिडान कार है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। आराम से आप इसके अंदर बैग वगैरह कुछ भी कितना भी सामान कैरी कर सकते हो, बहुत बड़ा बूट स्पेस है। 35 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी, 45 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको पेट्रोल के अंदर यहाँ पे मिल जाती है, मोस्टली गाड़ियों में रहता है लेफ्ट साइड में, आपको यहाँ पे राइट साइड में ही मिल जाएगी। एक बार अंदर एंट्री कराते हैं आपकी। साइड लॉक मिल जाता है यहाँ पे ना, की से इसको लॉक कर सकते हैं, अंदर की लगा के। क्रीम का स्टफ मिल जाएगा, क्रीम का स्टफ रहेगा यहाँ पर, लेदर अपोस्टी मिल जाता है ये पोर्शन आपको। बोतल के लिए स्पेस, स्पीकर मिल जाते हैं, ट्विटर रहेंगे इधर ऊपर, सिल्वर के अंदर हैंडल रहेगा इधर। बैक की प्रोफाइल, लेग रूम स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है, 2 सीट टाइप के आपको चार्जिंग, पीछे AC के वैन, लेदर के अंदर हमारी सीटें रहेंगी, लेदर पोस्टी। ऑल फोर हेडरेस्ट हमारे एडजस्टेबल मिल जाएंगे, पांचों ही हेडरेस्ट। पीछे हमारे को मिल जाता है इधर आर्म रेस्ट, 2 कप होल्डर मिल जाएंगे आर्म रेस्ट के अंदर। प्रॉपर ब्लैक के अंदर हमारा जो लेदर है ना वो मिल जाएगा, ऊपर लाइट मिल जाएंगी, हैंडल बार कैरी करने के लिए कुछ ये हुक दिया हुआ है। ये बैक की प्रोफाइल, और कर्टन पे आपको एयर बैग मिल जाएंगे, आपको इसके अंदर एयर बैग मिल जाएंगे, कीलेस एंट्री मिलती है यहाँ पर नीचे, रिफ्लेक्टर, बोतल स्पेस, स्पीकर, पावर के कंट्रोल, सिल्वर का स्टफ, ये भी हमारा अलग से ग्रे का स्टफ मिल जाएगा इधर, ये पैनल। एम्बियन लाइट मिल जाती है इधर, यहाँ से लेकर उधर, फिर उधर उस साइड से भी दिखाएंगे मस्त। ये काफी इसका हमारे को डैशबोर्ड मिल जाता है, एयरबैग रहेगा इधर, 8-way में एडजस्टेबल आपको ये सीट मिल जाएगी, ड्राइवर वाली और पैसेंजर वाली, आगे पीछे रिक्लाइन डिक्लाइन कर सकते हैं, इसको हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। काफी बड़ा सारा ग्लू बॉक्स मिल जाएगा, सर्विस बुक रहेगी इसके अंदर, AC के वैन, यहाँ पे ऊपर एयरबैग, ये वाला पैनल है ना ब्लैक ग्लोसी के अंदर रहेगा, ड्यूल टोन का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये ऊपर हमारा रहेगा रफ ब्लैक, इधर हमारा मिल जाएगा ग्रे के अंदर, ग्लोसी ग्रे, ऐसा दिखता है भाई इसका इंटीरियर अंदर का। एक बार ड्राइवर साइड एंट्री कराते हैं। रिफ्लेक्टर हमारे नीचे ना सभी विंडो पे मिल जाएंगे, यहाँ पे स्पीकर सभी विंडो मिल जाएंगे, 4 ट्वीटर 4 स्पीकर आपको मिल जाएंगे, कीलेस एंट्री इधर भी मिल जाती है, और इधर नीचे भी रिफ्लेक्टर रहेंगे। इधर हमारा ये पोर्शन रहेगा आपका लेदर के अंदर, पावर के कंट्रोल मिल जाते हैं, आउटसाइड का मिरर यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं इसको,
लॉक और अनलॉक का बटन, बोटल स्पेस, स्पीकर, पैडल रहेंगे, फ्रंट का बोनट ओपन करने का लीवर, पैडल, एट वे में एडजस्टेबल आपको ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट दोनों मिल जाएंगी, टायर प्रेशर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, शानदार सा आपको स्टेयरिंग मिल जाएगा। इधर हमारे जो फ्रंट की लाइट है ना, हेडलाइट, उनको एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से ऑन ऑफ होगी, यहाँ से इधर देखिए ऑन ऑफ, और यहाँ से इनको कंट्रोल कर सकते हैं एडजस्ट, जैसे हमारे को ऊपर चाहिए नीचे। फोक्सवैगन का लोगो रहेगा, एयरबैग मिल जाता है ऊपर, हॉर्न रहेगा, क्रूज कंट्रोल मिल जाएंगे हमारे को यहाँ पर, कैंसिल कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन बटन दिया हुआ है। इधर हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड कंट्रोल है, वॉइस कमांड ऑप्शन है, मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल है, और इसका इंस्ट्रूमेंट के हमारी जो बुक्स है ना वो इसके अंदर निकल जाएगी। इधर हमारा वाइपर का कंट्रोल है, इधर हमारा जो पासिंग लाइट है वो मिल जाती है, और यहाँ पे रहेंगे हमारे ये पैडल शिफ्टर दोनों साइड में, ऑटोमेटिक के अंदर हमारी गाड़ी है ना। लेदर रैप्ड आपको स्टेयरिंग मिल जाता है, प्रॉपर फील देगा भाई, जैसे आप कोई लग्जरी गाड़ी चला रहे हो। टिल्ट टेलीस्कोपी आपको यहाँ पर स्टेयरिंग मिल जाता है इसका। जो गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ना वो भी दिखाते हैं एक बार आपको, शानदार सा हमारे को रेड की थीम के अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, बीच में हमारे को ये वार्निंग दिखाएगा स्पीड की, यहाँ पे टाइम, इधर गाड़ी का जो बाहर का टेम्परेचर रहता ना वो टेम्परेचर, और इधर जो गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर है गाड़ी का वो टेम्परेचर, गाड़ी का मोड दिखाएगा यहाँ पर, गाड़ी किस मोड पे खड़ी हुई है, पार्किंग इधर, कितने किलोमीटर गाड़ी चली हुई है यहाँ पे, किलोमीटर जैसे फ्यूल है ना उसका दिखाएगा, कितने किलोमीटर अभी पेंडिंग है चलने वाली, इसके अंदर जितना फ्यूल है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फ्यूल की लेवल रहेगा हमारा, कितना गाड़ी के अंदर तेल है अभी, और इधर से इसका कंट्रोल दिया हुआ है। यहाँ पे इसकी सेटिंग्स मिल जाती है, डिस्प्ले, इकोनॉमी, एवरेज, डिस्टेंस, टाइम, एवरेज, जो भी आपको चाहिए ना इसको वो कर सकते हो आप सिलेक्ट यहाँ से, गियर डिस्प्ले, ऑयल टेम्परेचर, ऑडियो, टेलीफोन, बैक, इधर साइड में दोनों साइड में आपको शो कर जाएगी सेम सेटिंग, डिस्प्ले, इकोनॉमी, गाड़ी का यहाँ पे ऑयल टेम्परेचर शो करेगा, ये सेटिंग रहेंगी इसके अंदर, ये एवरेज की डिटेल, ऑयल, ये काफी मस्त है यार, देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव आपको लगेगा। ये जो लाइटें हैं यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी हमारे को, ये लाइट यहाँ पे और इस वाले पोर्शन पर वो लाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे ही आप विंडो को ओपन करते ना। 10 इंची हमारे को म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, टच स्क्रीन रहेगा, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी रहेगी इसके अंदर, फोन, रेडियो, स्लैक, नेविगेशन, डायरेक्शन कंट्रोल यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्क्रीन ऑफ, ऑडियो, कॉन्टेक्ट, प्रोफाइल, लाइट रहेगी हमारी, ये मोड रहेगा यहाँ पे, बैक का ऑप्शन है, लाइट दिया हुआ है हमारे को यहाँ पर, कितनी चाहिए इसका कॉन्ट्रास्ट, कॉल की फॉर्मेलिटी, सेटिंग, वॉल्यूम का अप डाउन यहीं से कर सकते हैं, व्हीकल स्टफ, ऐप से रिलेटेड, टच काफी स्मूथ दिया हुआ है इसका। नीचे हमारे को एसी के वेंट, इधर 2-4 एसी के वेंट टोटल मिल जाएंगे हमारे को, ये वाला पैनल रहेगा ग्लोसी ब्लैक के अंदर आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिक हमारा एसी रहेगा, और यहाँ पर साथ में आपको टच वाला पैनल भी मिल जाता है। इधर से मैं टच करता हूँ फैन स्पीड, इधर से डाउन, इधर से टेम्परेचर, हल्का सा टच करना आपको सिर्फ, एयर कार का या एयर प्यूरिफाई का मोड है, ऑटो पे, एसी ऑन ऑफ, फ्रंट पे, मैक्स पे कर सकते हैं इसको, कुछ सेटिंग्स आपको ये मिल जाएगी देखने के लिए। 2 हमारे को ना सी टाइप के केबल मिल जाएंगे चार्जिंग के लिए, यहाँ पर पोर्ट दिए हुए हैं, और इधर हमारा वायरलेस चार्जिंग, सिंपल हमारा गियर रहेगा, ये ऑटोमेटिक के अंदर हमारी गाड़ी है, यहाँ से इस पे मोड दिए हुए हैं ऊपर, पार्किंग का, रिवर्स, न्यूट्रल, हम इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं। इधर हमारा इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन रहेगा, फ्यूल एफिशिएंसी का बटन, फ्रंट की दोनों सीटें हमारे को वेंटिलेटेड सीटें मिल जाती हैं, जैसे हमारे को इनकी फैन स्पीड जितनी रखनी है, एक रखनी है, 2 पे रखनी है, बंद करना है, वहाँ यहीं से सारा कंट्रोल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये इधर 12 वोल्ट का एक और आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, फ्रंट में आपको 3 चार्जिंग के पॉइंट मिल जाते हैं, 2 सी टाइप के, एक यहाँ पर 12 वोल्ट का, सिंपल हमारा ये हैंड ब्रेक मिल जाता है, आर्म रेस्ट रहेगा लेदर के अंदर, इसके अंदर आपको कुछ स्पेस मिल जाता है आर्म रेस्ट के अंदर, स्लाइड के अंदर हमारा आर्म रेस्ट रहेगा, 2 आपको यहाँ पर कप होल्डर मिल जाते हैं, 6 आपको ना गाड़ी के अंदर एयरबैग मिल जाते हैं, और वही हमारा 10 इंची म्यूजिक सिस्टम रहेगा, 6 आपको गाड़ी के अंदर एयरबैग मिल जाते हैं, 10 इंची आपका म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, 4 स्पीकर और 4 ट्वीटर का सेट आपको इसके अंदर मिल जाएगा देखने के लिए। यहाँ पर हमारे को हैंडल बार, इधर भी एयरबैग्स मिल जाते हैं कर्टन पे, वेंटी के अंदर मिरर आपको मिल जाता है, डे नाइट रियर व्यू मिरर, यहाँ पर इधर हमारा लाइट का पोर्शन, यहाँ से हम इसका करेंगे सनरूफ ओपन, यहीं से हम इसका सनरूफ बंद कर सकते हैं, सनवाइजर यहाँ पे रहेगा, और ड्राइवर साइड में भी हमारे को हैंडल बार मिल जाता है। ये रहेगी गाइस हमारी गाड़ी, जो अंदर का इंटीरियर वो हमने आपको दिखा दिया कंप्लीट, और जो गाड़ी का प्राइस है ना वो भी एक बार आपको बता देते हैं। 2 हमारे को ना गाड़ी की मिल जाती है, फ्लिप की रहेगी हमारी, यहाँ से प्रेस करेंगे ऐसे निकल जाएगी, इधर हमारा लॉक अनलॉक का बटन, बूट ओपन कर सकते हैं यहीं से, इधर हमारा फोक्सवैगन का लोगो रहेगा, 2 की मिल जाती है, दोनों ही हमारे क्लिफ की रहेंगी, सेंट्रल लॉकिंग, जैसे गाड़ी के पास आप जाओगे ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाती है गाड़ी, और जो बोनट है ना गाड़ी का वो ओपन करके आपको एक बार दिखाते हैं भाई, हमारा जो 1500 सीसी इंजन है
1500 सीसी हमारे को पेट्रोल इंजन मिल जाता है। यहाँ पे हमारा सर्विस गेज है, यहाँ से सर्विस का जैसे ऑयल बदलते ना उसका ऑप्शन, एयर फिल्टर मिल जाता है, बैटरी रहेगी, वाइपर में पानी डालने के लिए, इधर हमारा रेडिएटर की फिटिंग, कूलेंट, ब्रेक ऑयल। ये गाइस हमारी वेटस जीटी लाइन प्लस 80 मॉडल, और हम इसके इंजन की जो पावर की बात करते तो हमारे को 148 की और टोरक देता है 250 की। 5 सीटर हमारी ये गाड़ी ऑटोमेटिक के अंदर रहेगी। और जो अवरेज कंपनी क्लेम करती है हमारे को 18.67 की बोलती है भाई, इस गाड़ी की आपको अवरेज मिल जाएगी। वैसे बंदे बोलते हैं भाई ये गाड़ी हमारे को 20 प्लस भी अवरेज दे देती है, कहने में आया है, वो आप कंफर्म कर सकते हो भाई जैसे आप ड्राइव इसकी करोगे। और इसकी जो हमारी सर्विस कॉस्ट है ना वो आपको 36 पैसे पड़ने वाली है। जैसे कुछ गाड़ियों में क्या रहता है भाई, आप 10,000 किलोमीटर पर गाड़ी की सर्विस कराते हो, ये कंपनी क्लेम करती भी हमारी गाड़ी 15,000 किलोमीटर चलने के बाद ही आपकी सर्विस होगी, 36 पैसे हमारी इस गाड़ी की सर्विस कॉस्ट आएगी। हम उसको डिवाइड करते हैं तो तकरीबन आपका 5400 रुपये आता है सर्विस आपकी कॉस्ट 15,000 चलने पर। काफ़ी आपकी इसमें पैसे की भी बचत हो जाती है और किलोमीटर भी ये 5,000 और गाड़ियों से एक्स्ट्रा ही चलने वाली है। और 4 साल के लिए ना आपको रोड असिस्ट टेस्ट इसका मिलता है, 4 साल की गाड़ी गारंटी मिलती है, या 1,00,000 किलोमीटर आप उसको पहले कुछ भी कर सकते हो, या आपके 4 साल हो जाए या आपका 1,00,000 किलोमीटर गाड़ी चल जाए। और भाई 6 साल की इसकी हमारी जो गाड़ी का पेंट है ना, ये कहता है कंपनी भाई उस पर कहीं भी जंग लग जाएगा ना तो कंपनी बोलती है भाई आप शोरूम में आओ, उसको विजिट करके दिखाओ, जो भी आपका है उसको देखा जाएगा जो आपकी प्रॉब्लम है। और 3 साल का वही करती है आप जो पेंट की इसकी फेडिंग वगैरह हो जाती है उसकी। और 6 साल की मैंने बताया आपको कहीं भी गाड़ी में जंग लग जाए ना उसको मिलती है। और 5 स्टार हमारे को रेटिंग मिलती है ग्लोबल NCPC से चाइल्ड में भी और इसके अंदर भाई अडल्ट के भी। गाड़ियों में अभी ना फिलहाल क्या रहता है, अभी ऑफर दिया हो आप वो एजेंसी में विजिट कर सकते हैं एक बार। इस गाड़ियों पर कुछ कुछ गाड़ियों के जो मॉडल है ना आपको 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक इन पर ऑफर मिल जाएगा, एजेंसी में आप एक बार विजिट कर सकते हो। बाकी हम जो एजेंसी का नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कॉल करके आप कन्फर्म कर सकते हो किस गाड़ी पर और कौन से मॉडल पर आपको वो वाला ऑफर देखने के लिए मिल जाएगा। गाइज ये गाड़ी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमारे कमेंट्स आप जरूर करना भाई। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फिर गाड़ी के हम प्राइस की बात करते हैं ना, 8,57,000 रुपये हमारा इसका एक्स शोरूम प्राइस रहेगा। ऑन रोड प्राइस आप एजेंसी विजिट कर सकते हैं, हम जो नंबर है। तो सेफ्टी के मामले में तो गाइस ये गाड़ी जबरदस्त होने वाली है भैया, आपको 5 में से 5 की सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है, फैन हो जाओगे गाइस आप एक बार इस गाड़ी को देख लोगे ना। तो गाइस हम मिलते हैं यार किसी नई गाड़ी का रिव्यू लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।